नमस्कार, मैजिक रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज पुलाव, जो बहुत ही बढ़िया बनता है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। हम इस पुलाव को बिल्कुल सिंपल ढंग से बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया बनता है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। वेज पुलाव बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन करके हमने एक कुकर रख दिया है। पुलाव हम कुकर के अंदर बना रहे हैं। कुकर को गर्म होने देंगे। इसके अंदर हम 3-4 चम्मच ऑयल डालेंगे। तेल हमने कुकर के अंदर डाल दिया है। तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। तेल के गर्म होते ही हम इसके अंदर 1 चम्मच जीरा डालेंगे। 2 हमने स्टिक दालचीनी की ले ली है, वो इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही हमने 3-4 लौंग और 8-10 काली मिर्ची के दाने लिए हैं, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। इन सभी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया पुलाव में आता है। आप चाहे तो इन सभी मोटी चीज़ों को हल्का सा पकने के बाद बाहर निकाल सकते हैं। मैं इस पुलाव के अंदर ही रहने दूंगी। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। सारी चीज़ों को हम हल्का सा पकने देंगे। हमारी सारी चीज़ें हल्की सी भुन चुकी है। अब हम इसके अंदर लंबा लंबा कटा हुआ अदरक डाल देंगे। हमने 2 इंच अदरक के टुकड़े को ऐसे लंबाई में काट लिया है। इसको डाल देंगे, हल्का सा भून लेंगे। साथ ही हमने इसी तरीके से लंबे लंबे 2 प्याज, जिसको हमने लंबा लंबा काट के लिया है, वो भी डाल देंगे। 2 कटी हुई हरी मिर्च भी हम इसके अंदर डाल देंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। हमें लगातार चलाते हुए इसको मीडियम आंच पर अच्छे तरीके से भून लेना है। गैस का फ्लेम हम मीडियम हाई पे रखेंगे। 1 मिनट के लिए हमने प्याज और अदरक को अच्छे से भून लिया है। हमारे ये प्याज अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अब हम इसके अंदर सब्जियां डालेंगे। हमने इस तरीके से 2 आलू को मीडियम साइज के टुकड़ों में इस तरीके से काट लिया है। इसी तरीके से हमने गोभी ली है, उसको भी हमने इसी तरीके से काट लिया है, मोटा मोटा थोड़ा सा। ज़्यादा हमें इसको पतला नहीं काटना, मीडियम साइज में ही हम गोभी भी कट करके रखी थी, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे तरीके से इसको हम हल्का सा पहले रोस्ट कर लेंगे, ताकि ये बढ़िया से थोड़े से पक जाएं और इसमें थोड़ा सा बढ़िया सा पन आ जाए। क्योंकि आलू और गोभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं पकने के लिए, और इसीलिए हमने आलू और गोभी पहले डाले हैं, ताकि अच्छे से ये हल्के से रोस्ट हो जाए। अच्छे तरीके से आलू और गोभी को हमने भून लिया है। अब हम इसके अंदर सूखे मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच इसके अंदर हम हल्दी डालेंगे, और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक, या टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर नमक डालिए। और सारी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। हम इसे लगातार चलाते हुए ऐसे ही मिक्स कर लेना है। देखिए, हमारी गोभी में बहुत बढ़िया सा कलर आ गया है। मसाले डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, बढ़िया से इसको गोभी के साथ मिला लिया है। हमारे आलू और गोभी भी अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अब हम इसके अंदर बाकी की बची हुई सब्जियां भी जो हमने डालनी है, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़े से हमने बीन्स लिए हैं, ये फ्रोज़न है, आप चाहे तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। और साथ ही हमने 1/2 बॉल फ्रोज़न मटर लिए हैं, वो भी हम इसके अंदर डालेंगे। और 2 हमने टमाटर को इस तरीके से मोटा मोटा काट लिया था, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से हम सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करेंगे और लगातार चलाते हुए भून लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। मीडियम आंच पर हम इसको लगातार चलाते हुए ऐसे भून लेंगे। देखिए, हमारी सब्जियां हैं जो हल्की भुन चुकी हैं। हमने इसको लगातार चलाते हुए भून लिया है। अगर आप मेज़रमेंट के साथ बनाएंगे तो हमारे ये राइस बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनेंगे, और बिल्कुल भी ये बिल्कुल खिले खिले बनेंगे, बहुत बढ़िया बनते हैं। आप इसमें मेज़रमेंट का ज़रूर ख्याल रखें। 1 छोटी बॉल हमने चावल लिए थे, जिसको हमने अच्छे तरीके से धोकर 2-3 पानी में इसको हमने 1/2 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। ये हमारे भीगे हुए चावल हैं, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। चावल को डालने के बाद हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, और चावलों को भी हम हल्का सा चलाते हुए भून लेंगे। हमने लगातार चलाते हुए चावल को भी बढ़िया से सब्जियों के साथ मिला लिया है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। हमने 1 बॉल चावल लिया था, और 2 बॉल हम इसके अंदर पानी डालेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने बढ़िया से पानी डालकर इसको मिला लिया है। जितने हमने चावल लिए हैं, उसी हिसाब से हमने 1 बॉल चावल लिए थे,
और दो बाउल हमने इसके अंदर पानी डाल दिया, अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम कुकर का ढक्कन लगाकर दो सीटी आने देंगे। दो सीटी के आने के बाद हम इसकी भाप निकाल देंगे और कुकर का ढक्कन नहीं खोलेंगे। उसके बाद ही हम चावल को चेक करेंगे। हमने दो सीटी के आने के बाद हमने इसकी भाप निकाल दी और कुकर को हमने ऐसे ही बंद रहने दिया। अब हम खोल कर दिखाते हैं। देखिए हमारे बहुत ही बढ़िया चावल बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल खिले खिला बने हैं हमारे ये वेज पुलाव, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी। हमने इस पुलाव को बोल में सर्व किया, देखिए बहुत ही बढ़िया टेस्टी से पुलाव बनकर तैयार है। ऊपर से हमने इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। देखिए आप भी इस पुलाव को बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर जो आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अपनी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।